हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज न्यूज़ एनालिसिस फ्रॉम पीआईबी एंड द हिंदू। तो आज का पहला न्यूज़ क्या है वो देखते हैं। ऑन पेज नंबर वन वी हैव अ न्यूज़ दैट इज़ अ प्ली टू इंश्योर ओआरओपी फॉर रिटायर्ड जजेस। तो पहले भी हमने डिस्कस किया है वन रैंक वन पेंशन स्कीम के बारे में, उस टाइम पे हमने आर्म फोर्सेस के लिए बात की थी। यहाँ पे अभी जो हाईकोर्ट के जज हैं उन्होंने प्ली किया है सुप्रीम कोर्ट में कि हर किसी के लिए वन रैंक वन पेंशन की सुविधा होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है? तो वन रैंक वन पेंशन मींस द पेमेंट ऑफ द सेम पेंशन टू मिलिट्री ऑफिसर्स फॉर द सेम रैंक फॉर द सेम लेंथ ऑफ द सर्विसेज। तो ये मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए लाया गया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी भी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है सेम रैंक पर सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए तो उनको पेंशन भी सेम मिलना चाहिए। जैसे कि जो 1980 से 1995 तक वर्क किए हुए हैं लोग हैं और जो जिन्होंने इन्होंने भी 15 साल काम किया, और वैसे लोग जिन्होंने 1995 से 2010 तक काम किया है तो उन्होंने भी 15 साल तक काम किया है, तो ऐसे लोगों को फिर सेम पेंशन मिलना चाहिए, फिर उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये जो सुविधा थी या ये जो स्कीम आया था वो मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए आया था, बट अभी जो हाईकोर्ट के जज हैं उनका भी यही कहना है कि जजेस में भी यही स्कीम अप्लाई होना चाहिए, वन रैंक वन पेंशन वहाँ पे भी अप्लाई होना चाहिए। तो अगला न्यूज़ फिर पेज नंबर वन पर ही है, आई एम सॉरी ये पेज नंबर वन पर नहीं है, आप इसका पेज नंबर देख लीजिएगा, ये फॉरेन वाले पेज का न्यूज़ है। तो मोगादिशु डेथ टोल राइजेज टू 300, बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है ये, बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ जिसमें कि 300 से ज़्यादा लोग मर गए हैं। और मोगादिशु एक जगह है सोमालिया में, ये एक जगह है वहाँ की कैपिटल है बेसिकली। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो बॉम्ब अटैक हुआ है इसमें अल शबाब का ग्रुप जो मिलिटेंट ग्रुप है उनका हाथ है, और ऐसा हालांकि वो लोग क्लेम नहीं कर रहे हैं बट इनका जो तरीका है वहाँ पे बॉम्ब अटैक का जो तरीका है उससे ये ऐसा लग रहा है कि इसमें इन्हीं मिलिटेंट ग्रुप का हाथ है। तो इन्होंने एक लार्ज ट्रक बॉम्ब को वहाँ पर एक्सप्लोड किया। अब इस थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये मिलिटेंट ग्रुप किस एरिया से हैं या कहाँ पर वर्किंग हैं। तो ये अल शबाब मिलिटेंट ग्रुप जो है ये ईस्ट अफ्रीका में वर्किंग है, दीज आर द जिहादिस्ट फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स, और इनका वैसे एक और नाम है हराकत अल शबाब अल मुजाहिदीन, ये इनका नाम है, इनको अल शबाब भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पर वर्किंग है? ये ईस्ट अफ्रीका में वर्किंग है, और जनरली वो जो रीज़न है पूरा सोमालिया वगैरह का वहाँ पे इनके अटैक्स होते रहते हैं। और ये मोगादिशु ये जगह है, बस ये देखिए सोमालिया में यहाँ पर ये जगह है, और क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, पहले तो सिटी से ही क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ पर है। तो ये सोमालिया में है, बहुत मोस्ट पॉपुलस सिटी है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये इंडियन ओशन में है, तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि मोगादिशु सिटी न्यूज़ में था किस ओशन में है, तो ये कोस्ट सिटी है, इंडियन ओशन में है। अगला न्यूज़ है ऑब्जर्वेशन कंफर्म न्यूट्रॉन स्टार मर्जर। तो एक साइंटिफिक न्यूज़ है, बहुत अच्छा न्यूज़ है ये, कि जो लीगो है, लीगो के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी है बेसिकली, जो काफ़ी सारे रेज को डिटेक्ट करती है। यहाँ पे द ऑब्जर्वेशन ऑफ शॉर्ट गामा रेज बर्स्ट अलमोस्ट साइमल्टेनियसली बाय द अदर स्पेस एंड अर्थ वेज ऑब्जर्वेटरीज। तो इसमें न्यूज़ हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक साइंटिस्ट थे जो इंडिया के भी थे, इसमें कुल 40 साइंटिस्ट थे जो काम कर रहे थे इस पूरे प्रोग्राम में, और इंडियन साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व थे, और अभी ये बहुत एक बड़ी रिसर्च सामने आई है। तो इसमें जो और जिसका जो सेकेंड लेवल का डिस्कवरी था उसमें GMRT HTC दैट इज़ हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप और एस्ट्रोसैट ये सारे ही वर्किंग थे, दीज आर द इंडिजीनियस टेलीस्कोप्स। जाइंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप के बारे में देख लीजिए, जो GMRT है वो क्या है, दैट इज़ इंडिजीनियस प्रोजेक्ट सेटअप बाय द पुणे बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। तो GMRT कहाँ पे इस्टेब्लिश है, ये पुणे में इस्टेब्लिश्ड है, एंड इट इज़ हैज़ बिन डिज़ाइंड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग अ वेराइटी ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिकल प्रॉब्लम एंड रेंजिंग फ्रॉम नियर बाय सोलर सिस्टम टू द एज ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो जो सोलर सिस्टम से जो सोलर विंड्स आती हैं और जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं गैलेक्सीज़ वगैरह, वो सब उसको चेक करने में, पल्सर्स वगैरह को, सुपरनोवा वगैरह को डिटेक्ट करने में इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है।
अगला देखिए इसी में ही है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ये क्या है? तो इंडियन इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड नियर लेह, लेह में है ये। अगर कंफ्यूज नहीं होना है, मैच के लिए भी आ जाता है। तो जो अभी हमने देखा इससे पहले कि जायंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप ये पुणे में स्टैब्लिश है, और जो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है वो लेह लद्दाख में स्टैब्लिश है, एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट साइट फॉर ऑप्टिकल इंफ्रारेड गामा रेज टेलीस्कोप। बहुत एडवांस टेलीस्कोप है ये। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। एस्ट्रोसैट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी, लॉन्च इन सितंबर 2015। तो ये भी इंडिया का है एस्ट्रोसैट, और मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है ये। एंड मिशन ऑफ इसरो आफ्टर द हाईली अक्लेम्ड चंद्रयान 1 एंड मंगलयान 1। तो ये एक इसरो का पूरा मिशन था, ये जो चंद्रयान 1 और मंगल, तो उसके पास कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है टू ऑब्जर्व द सेलेस्टियल बॉडीज़, जैसे कि एक्सरे सोर्सेस, इन सारी वेवलेंथ, इन चीज़ों को डिटेक्ट करने की इसकी एबिलिटी है। एंड इट कैन ऑब्जर्व द यूनिवर्स थ्रू अल्ट्रा वायलेट ऑप्टिकल लो एंड हाई एनर्जी एक्सरे, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमने तीन चीज़ों को देखा, एस्ट्रोसैट और इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, एंड द थर्ड वन इज़ GMRT। अगला न्यूज़ है तेजस जेट्स टू फ्रेंच मेड रडार। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, एक तो जो रडार अभी मिला है वो भी इम्पॉर्टेंट है कि फ्रेंच मेड है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसके द्वारा बनाया गया है ये रडार। तो थेल्स जो है, थेल्स अ फ्रेंच मल्टीनेशनल दैट मेक्स एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट दैट फ्लाइटेड टेस्टेड एंड एक्टिव अरे रडार बिल्ट स्पेसिफिकली फॉर तेजस। तो तेजस के लिए जो रडार बनाया है वो फ्रेंच कंपनी ने बनाया है, और तेजस जो पर्टिकुलर है वो इंडिजिनियसली बिल्ट लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। तो रडार किसने बनाया है? एक फ्रेंच बेस्ड कंपनी ने बनाया है, और जो तेजस पूरा का पूरा जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है वो इंडिया के द्वारा बनाया हुआ है। उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इंडिया का एक प्रोग्राम आया था 1983 में, दैट इज़ एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। तो उसी में MiG-21 फाइटर्स वगैरह बनाए गए थे, उसको रशिया से लिया गया था, और उसी का एक ये आउटकम है तेजस, ठीक है। एंड इट इज़ अ लाइट वेट मल्टी रोल जेट फाइटर इंडिजीनियसली बिल्ट बाय स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL के द्वारा इसको बनाया गया है। तो ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं कई बार बोलती हूँ, क्वेश्चंस आते हैं कि किसने बनाया है, और हो सकता है कि वहाँ पे ऑप्शन में DRDO हो, तो DRDO ने नहीं बनाया है इसको, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बनाया है तेजस को। एंड इट इज़ माउंटेड टू इनबिल्ट मल्टी मोड रडार, रडार वार्निंग रिसीवर सिस्टम, इसके अंदर ये सिस्टम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तेजस के बारे में जो इम्पॉर्टेंट है, और ये जो अभी नया रडार मिला है वो फ्रेंच मेड है, इतना याद रखिएगा। अगला न्यूज़ है फ्री मूवमेंट अलोंग म्यांमार बॉर्डर। तो ये तो IR का पार्ट हो जाएगा, अगर आपको लिखना हो एग्ज़ाम में तो, या फिर IR के क्वेश्चन में, तो आप इसको लिख सकते हैं कि अभी होम मिनिस्ट्री ने चार राज्य जो हैं आपके जो म्यांमार से मिलते हुए हैं, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे फ्री मूवमेंट रजीम स्टार्ट किया है। अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ऐसे कौन से राज्य हैं, तो हो सकता है इसमें एक ऑप्शन गलत दे दें, और आपको अगर याद नहीं है कि हाँ भारत के में जो नॉर्थ ईस्ट में इस तरफ राज्य हैं जो म्यांमार से लगे हुए हैं उसमें कौन कौन से राज्य हैं, तो फिर आप वहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। तो मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, तो ये चारों राज्य में फ्री मूवमेंट रजीम स्टार्ट किया है होम मिनिस्ट्री ने। एंड अ कमिटी टू एग्जामिन वेरियस मेथड टू कर्व द मिसयूज ऑफ फ्री मूवमेंट अलॉन्ग विद द म्यांमार बॉर्डर। अब देखिए एक कमिटी बनाई गई है कि जो मिसयूज़ हो सकता है फ्री रिजीम का, अगर आप फ्री मूवमेंट रखेंगे तो बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि 16 किलोमीटर तक म्यांमार बॉर्डर पर फ्री मूवमेंट रखा गया है इंडियन सिटीज़न और म्यांमारी सिटीज़न के लिए। तो यहाँ पे इन जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। तो प्रिलिम्स के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उस कमेटी का नाम क्या था। तो उसको जो हेड कर रही थी वो रीना मित्रा थी जो उनको हेड कर रही थी। अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि विच कमेटी हेडेड बाय द रीना मित्रा, तो ये आई मीन फ्री मूवमेंट रिजीम के लिए कमेटी बनी थी म्यांमार और इंडिया बॉर्डर पर, इसको याद रखिएगा। अगला न्यूज़ है विद स्टील शिप इंडिया एंड एलाइड ग्रुप। हमने एक दिन और डिस्कस किया था INS कल्तान के बारे में, तो उसी से जुड़ा हुआ ये न्यूज़ है। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, ये बहुत सारे काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ये काफ़ी एक्टिव हैं इस फील्ड में, और मैं बता दूं कि पहली बार किसी
लेडी को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है। तो इनके इन्होंने इसी पे कुछ अच्छे बातें कही हैं यहाँ पे, कि जैसे इंडिजिनसली ये भी बनाया हुआ है एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टील्थ कॉर्वेट INS कल्तान, तो पूरी तरीके से इंडिजिनसली बिल्ट है। और ये प्रोजेक्ट 28 का तीसरा एंटी सबमरीन है, कोमार्टा क्लास ASW। तो प्रोजेक्ट 28 का याद रखिएगा, इसमें तीसरे नंबर पे आता है। और 81% जो चीज़ें हैं इसमें वो इंडिजिनसली बिल्ट हैं। कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब जानना। बट हाँ, आप डिफेंस वगैरह में इसको याद रख सकते हैं, क्वेश्चन अगर आता है साइंस टेक में तो आप इसको लिख भी सकते हैं। और प्रीलिम्स का तो इंपॉर्टेंट है ही। छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि INS कल्तान वॉज अ न्यूज़, क्या है ये? तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टील कॉर्वेट है। और एक और बात याद रखिए कि द कील, यहाँ पे द कील की बात इन्होंने की है, कि ये भी 2010 में प्रोजेक्ट 28 का पार्ट था और इसको गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया था। ठीक है, दूसरी बात कि INS कल्तान जो है वो स्टील से बना हुआ है, और स्टील को प्रोड्यूस किया है सेल ने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसको बनाया है स्टील को। और स्टील जो यूज़ हुई है किसमें यूज़ हुई है? INS कल्तान। अगला न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट टू हेयर प्ली फॉर स्टडी ऑन सेफ्टी ऑफ मुल्ला पेरियार डैम। तो सुप्रीम कोर्ट में हालांकि प्ली डाला गया है इसको देखने के लिए, स्टडी करने के लिए, कि मुल्ला पेरियार डैम में ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखिए तमिलनाडु और केरला के बीच में बना हुआ है, और ये जो मुला पेरियार डैम है कहाँ पे है? तो पेरियार रिवर पर है केरला में, और इट इज़ लोकेटेड ऑन द कार्डमम हिल ऑफ वेस्टर्न घाट। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, पेरियार रिवर इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए केरला में पेरियार रिवर। कार्डमम हिल हाईएस्ट हिल है वेस्टर्न घाट का, तो याद रखिएगा वेस्टर्न घाट में कार्डमम हिल पर ये मुला पेरियार डैम है। और कहाँ पे लोकेटेड है? केरला, साउथ इंडिया में लोकेटेड है। तो दो तीन इन्फॉर्मेशन तो यहीं से मिल गई जो प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये क्यों बनाया गया था? तो द पेरियार रिवर विच फ्लोज वेस्ट वार्ड इन केरला अरेबियन सी वॉज डाइवर्टेड ईस्ट वार्ड टू फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में या तमिलनाडु के लोगों को पानी मिल सके, ताकि ये जो पेरियार रिवर है बेसिकली ये अरेबियन सी की तरफ मिलती है जाके, तो इसको पानी डाइवर्ट करने के लिए इस डैम को बनाया गया था केरला और तमिलनाडु के बीच में। द नीड ऑफ ग्रेटर सप्लाई ऑफ वाटर देन द स्मॉल वेगई रिवर कुड प्रोवाइड। तो यहाँ पे वेगई रिवर की बात की गई है, तो देख लेंगे अभी वेगई रिवर कहाँ पे है। तो वेगई रिवर एक्चुअली तमिलनाडु में है, इसमें इतना इनफ वाटर नहीं है कि तमिलनाडु के लोगों को पानी मिल सके, तो इस वजह से इस पेरियार रिवर के वाटर को के फ्लो को चेंज करने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए डैम बनाया गया था। ये है इसका पूरा लोकेशन, इसमें बहुत क्लियर पिक्चर नहीं है, बट आप देखिए वेगई रिवर जो है ये बंगाल में मिलती है। याद रख लीजिए रिवर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है वेगई। आपसे कई बार ये सीक्वेंस पूछते हैं इस तरीके, साउथ और वेस्ट वाला। तो ये और पेरियार रिवर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं केरला में है, और जाके कहाँ मिल रही है? अरेबियन सी में मिल रही है। और यहाँ पे आपका ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मुला पेरियार डैम यहाँ पर बना हुआ है। अगला रिवर सॉरी अगला न्यूज़ जो है वो PIB का है, वुमेन फॉर वुमेन आई एम दैट वुमेन। तो आपने सुना होगा कई बार लोग ऐसे बोलते नज़र आते हैं कि वुमेन ही वुमेन की सबसे बड़ी एंटी होती है, दुश्मन होती है। तो ये कहावत है, ये सच नहीं है हालांकि, लेकिन यहाँ पे एक कैंपेन स्टार्ट किया है जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसने एक कैंपेन स्टार्ट किया है एक सेंसिटिविटी क्रिएट करने के लिए अमंग द वुमेन फॉर द वुमेन, कि अगर अगर महिलाएं ही मदद करने लग जाएं महिलाओं की, तो आधी समस्या तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। कि कई बार जब आप डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह का केस देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि जो वुमेन जिसको टॉर्चर किया गया है उसमें कई सारे और औरतें भी शामिल थी उनको टॉर्चर करने में, जैसे कि मदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ, ये सारे लोग। तो इसमें ये कैंपेन चलाया है इस मिनिस्ट्री ने, दैट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमन स्टैंडिंग बाय एंड फॉर वुमेन दैट हैज़ अर्ज टू स्टीरियोटाइप एसोसिएटेड वुमेन हार्मिंग अदर वुमेन। तो ये जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि वुमेन दूसरी वुमेन को हार्म करती है, इसको ख़त्म करना है। और इसमें जितने ज़्यादा लोग चाहें वो ट्विटर और फेसबुक के थ्रू इस कैंपेन में जुड़ सकते हैं। इसका हैशटैग है हैशटैग आई एम दैट वुमन, ये इनका टैग है, फोटोग्राफ है। इन सब को शो करते हुए, डिनोट करते हुए जो वुमन है वो इस कैंपेन से जुड़ सकती हैं। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फॉर हेल्पिंग द वुमेन, एंड थ्रू दिस कैंपेन वी एम टू शेड लाइट ऑफ द एनॉर्मस कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय वुमेन फॉर वुमेन। तो वुमेन के स्ट्रेंथनेस के लिए, एम्पावरमेंट के लिए इसको स्टार्ट किया गया है।
तो आप, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसको लिख भी सकते हैं जब भी आप वुमेन पे कुछ आंसर लिखें तो. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी हेयर एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. एंड आई एम रिपीटिंग द थिंग दैट आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. इस यहाँ पर लिंक होता है, वहाँ से आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं. और अगर किसी को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है कोचिंग में जा करके, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. इफ़ आई विल बी एबल टू हेल्प यू, आई विल डेफिनेटली डू दैट. कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, फ़ोन नंबर्स लिखे हुए हैं. बाकी हमारा वेबसाइट है, हमारे ईमेल एड्रेस पे आप जा सकते हो, दैट इज़ stepupis14@gmail.com. तो कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेल कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. कीप स्टडिंग, प्लीज़ स्टडिंग एज वेल.